एक वैष्णव भजन के ऊपर हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में अल्फाबेट बी के जो भी भजन है उस पे हम चर्चा कर रहे थे। और ये करते हुए हमने भज मन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, इस भजन को हमने चर्चा किया था। तो अभी हम भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, ये भजन बंगाली में गाया जाता है, बहुत भक्ति संगीत नाम का एक एल्बम है, और नीलाचल महाप्रभु एक मूवी है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, उसमें भी ये गीत आता है। तो नीलाचले महाप्रभु एक मूवी है, उस मूवी में ये गाया जाता है। अब ये मुझे पता नहीं है, ये इसका क्या ट्यून्स वगैरह है। अच्छा ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ये कुछ लोग गा रहे हैं लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यानी हम तो हम इसको गाने का प्रयास करते हैं। भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो मुखे। भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो मुखे। भुख भरे जाय अभाव मिटाय, स्वभाव जगाय महासुखे। हरि दीन बंधु चिर दीन बंधु, जीवे चिर सुखे दुखे। भज रे अंध चरणारविंद, दुस्तर ए मायावी पाके। भज मुदमति तव चिर साथी, जहार करुणा लो लोके। लीलामय हरि ऐसे छिन दिया पूरी, राधार प्रीति लोए बूके। तो इस भजन में क्या कह रहे हैं कि इतने दिन से ट्राई कर रहे हो, इतने दिन से ट्राई कर रहे हो, बस करो भाई। इतने दिन से कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा के अलावा इतने दिन से ट्राई कर रहे हो, फिर भी जब संतुष्टि नहीं मिली तब भी समझ में नहीं आया कि ये जो दिल आपका, जो खाली खाली दिल है, इसको कोई भरेगा नहीं। फिर भी ट्राई करना नहीं छोड़ रहे हैं।
कर्तव्य बोध से सारी जिम्मेदारियों को तो करना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो मुखे, भूख भरे जाए अभाव मिटाए, स्वभाव जगाए महासुखी। कह रहे हैं कि जो ये भूख लगी हुई है ना, हमेशा एक भूख सी लगी हुई, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, नोबडी इज लविंग मी। बहुत कोई मुझे प्रेम करता, और हमेशा एक अभाव सा लगा हुआ, एक अभाव का वर्णन कर रहे हैं, एक अभाव सा है हृदय में। भूख नामे भूख भरे जाय, अभाव मिटाय, स्वभाव जगाए महासुखे। आप में से कोई बता सकता है जीव का स्वभाव क्या है? मैं हाथ आपके नीचे करूं, जीव का स्वभाव क्या है? मोनिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान प्रणाम। की सेवा करना जीव का स्वभाव है। सॉरी प्रभु जी, थैंक यस, यू। वेरी गुड। जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। कितने समय से जीव तड़प रहा है, बार बार ट्राई करता है, एक नया व्यक्ति ले आता है अपने जीवन में, सोचता है अब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा शायद, फिर वो कुछ दिन बाद वो फिर ऐसे 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 ठेंगा मिल जाता है, नई कंपनी चेंज करता है। मेरी फर्स्ट कंपनी में, इंफोसिस में, मेरे मैनेजर थे संजय मालगी नाम था, इतना मुझे प्रेम करते थे, ओ यू हैव डन वेरी नाइस ऐसे बोलते थे। थोड़े दिन बाद मेरा किसी कारणवश मेरा मैनेजर चेंज हो गया। अब मैं हमेशा यही सोचता था कि वो बहुत काम कराती थी, माता जी थे, बहुत काम कराती थी। 17 प्रोजेक्ट्स मुझे इन्फोसिस में 1 साल में मैंने काम किया। मुझे लगता कोई कोई एक व्यक्ति को इतना काम कराया जाता होगा। तो फिर मैं हमेशा यही सोचता था कि अरे ये मैनेजर चेंज हो जाए, जीवात्मा बस यही सोचता रहता है मैनेजर चेंज हो जाए, ये सासू माँ चेंज हो जाए, यही सोचता रहता है। ये सोच सोच के जीवात्मा फंस जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि जो भूख तुम्हारे हृदय में लगी हुई है, वो तुम सोच रहे हो कि ये दुनिया के मैनेजमेंट से किसी तरह से संतुष्टि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। भगवान के नाम में, चलो मान लिया कि आप बहुत दिन से चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं हो पाया कुछ, ठीक है, अगले 10 दिन 16 माला बिल्कुल ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। पूरे जीवन की बात नहीं कह रहे, पूरे जीवन की बात नहीं, सिर्फ 10 दिन। लेट्स हैव अ टारगेट ऑफ 3 डेज। मैं खुद भी सोच रहा हूं कि एक जपा रिट्रीट करूं कहीं एक स्पेशल जगह पे लेकर के, जो भक्त आ सकेंगे आ सकेंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी इसको रखेंगे। सिर्फ 3 से 4 दिन सिर्फ जप पे फोकस करना है, क्योंकि सब लोग बोल तो रहे हैं, हम भी आजकल हिंदू धर्म का वो चल रहा है तो सब लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस हिंदू धर्म के बारे में बताया जा रहा है उसको जीने में जो आनंद है, वो जिंदा बात बोलने में नहीं है। जिस हिंदू धर्म के बारे में लड़ने में, उसको आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, इसको करने में जो आनंद हमको मिलता है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ आनंद उस सनातन धर्म परंपरा को, संस्कृति को जीने में, जब मर्यादाओं को देखते हुए अपने पिता के समक्ष बेटा झुक जाता है,
जब अपनी माँ की सेवा करते हुए, अपनी सास की सेवा करते हुए, अपने ससुर की सेवा करते हुए एक स्त्री के पसीना आ जाता है, सारे कर्तव्यों को संभालते हुए, बच्चे को स्कूल भेजना है और पति की भी सेवा करते हुए एक बहू को पसीना आ जाता है, यही तो सनातन संस्कृति का गौरव है। अमेरिका में राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि एक कब्र पे एक माताजी पंखा कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत पतिव्रता हैं, अपने पति की कब्र पे पंखा कर रही हैं। तो वो माताजी ने बताया कि मैं इसलिए पंखा नहीं कर रही हूँ कि इनकी इनको संतुष्टि मिले, मैं इसलिए पंखा कर रही हूँ कि जब तक ये कब्र सूखेगी नहीं तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर ये कह रहे हैं, बुका भरे जाया अभाव मिटाया, स्वभाव जागाये महासुखे। कह रहे जब आपका स्वभाव जाग जाएगा, जब आपको लगेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, दास का धर्म बस यही होता है मालिक की सेवा होती रहे, और अच्छा दास का मतलब बस मालिक खुश है तो बस वो खुश है, बस मालिक खुश रहना चाहिए, बस मालिक खुश रहना चाहिए, मालिक खुश है तो वो खुश है। अभाव भी देखो, अभाव इस संसार में हमेशा लगता है कि ये चीज की कमी है। एक बार ये एप्पल 16 Pro Plus Max खरीद ले बस, मन संतुष्ट हो जाए, लेकिन संतुष्ट नहीं होता मन, हमेशा अभाव लगा रहता है इस संसार में। तो बार बार हमारे जो वैष्णव आचार्य लोग हैं वो याद दिलाते हैं, बुक भरे जाए अभाव मिटाय। लोग कहते हैं कि प्रभु जी वैराग्य आ गया है आपको, ये जो ध्यान पूर्वक जप करने से, पूरे एब्जॉर्प्शन से, श्रवण करने से, पूरी तन्मयता से वैष्णवों की सेवा करने से, प्रसन्न करने से वैष्णवों को, आप देखेंगे आपके अंदर जो वैराग्य आएगा, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुः व्ययः परम, न विन्दत न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। कह रहे हैं कि ये जब करने से एक वैराग्य सा आएगा, एक और श्लोक है, न तीर्थ पाद सेवा यही, श्रीमद्भागवतम के 6वें स्कंद के 6वें श्लोक है, जीवन अपि मृतोपि सः। ये मिल नहीं रहा है, वो एनी हाउ इसमें बस यही बता रहे हैं कि जो एक भूख सी लगी हुई है वो भूख शांत होगी इस हरिनाम से, और अभाव मिटेगा, बहुत सारे अभाव हैं
लेकिन ये वैराग्य सा आ जाएगा, जरूरत ही नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव जगाए महासुखे, कि हमारा जो बस कृष्ण की सेवा से संतुष्टि मिली, भगवान प्रसन्न है ना, बस ठीक, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान प्रसन्न है। हरि दीना बंधु चिर दीना बंधु, जीवे चिर सुखे दुखे। तो जीव ये सोचता है कि आपको क्या मालूम है भगवान, आपको क्या मालूम क्या क्या मेरा मैटर चल रहा है, 15 लाख का तो मेरे ऊपर लोन लगा हुआ है। 15 लाख का लोन है, उसके बाद फिर ये बच्चा मेरा देखिए पता नहीं कैसा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, और आपको पता नहीं है क्या क्या आप बोल रहे हैं, सब चैंटिंग से हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा कितना भी दीन स्थिति हो, वो कह रहे हैं कि प्रभु जी 15 लाख का लोन है, पैसा मेरा वहां फंस गया है। तो कह रहे हैं कि हरि दीना बंधु चिर दीना बंधु, हमेशा के दीन बंधु और हरि हैं। और जीव के जितने भी सुख दुख आज तक उसके हुए, आज तक जितने भी सुख दुख हुए हैं और जो होने वाले हैं, सब उनको पता है। तो जो अच्छा मैनेज करेंगे, नहीं भगवान अच्छा मैनेज करेंगे ना, भगवान सबसे अच्छे मैनेजर है, सबसे बढ़िया मैनेज करके, और आपको फ्री में मिले बस प्रार्थना करने मात्र से। भजरे अंध चरण अरविंदा, दुस्तर ए मायावी पाके। कह रहे हैं कि ये जो है अंधे प्राणी, इतनी बार बताया जा रहा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर हो रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हरि का भजन करो, ये जो माया से तुम निकलना चाहते हो, यहां से निकल नहीं पाओगे। फ्रिज खरीदोगे तो कूलर चाहिए होगा, कूलर खरीदोगे तो एसी चाहिए होगा, छोटा वाला हीटर खरीदते हैं फिर ब्लोअर चाहिए होता है, ब्लोअर खरीदो तो हीट पिलर चाहिए होता है, कोई सीमा नहीं है। मोबाइल खरीद लो तो फिर पावर बैंक चाहिए होता है। ये संसार में इस तरह से माया के ये जो दुस्तर स्थान है, ये इससे तुम निकल नहीं पाओगे, इतना जाल बुन के रखा है, मान सम्मान सही गलत, मैं सही हूं ये गलत है, मुझे ये करना चाहिए उन्हें ये करना चाहिए, मुझे दुनिया को सिखाना है, समाज सुधार करना है, मैं मदन मोहन मालवीय हूं, आज से मैं मेरे अंदर महात्मा गांधी की आत्मा आने वाली है। इस तरह से कुछ लोगों को सुधार कार्य की ही सुध चढ़ जाती है बड़ी। एक बार मैंने महात्मा प्रभु से पूछा, उनकी सेवा में मुझे मिली थी, तो दिल्ली मंदिर की बात है, तो मैंने महात्मा प्रभु से पूछा कि प्रभु जी हम लोग प्रचार करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो महाराज ने कहा कि बिकॉज ऑफ कंपैशन। मैंने बोला महाराज दूसरों के प्रति दया? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अपने ऊपर दया करने की, दूसरों के ऊपर थोड़ी दया करते। इतनी दुस्तर है ये माया, कहाँ निकल ही नहीं पाता व्यक्ति। सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे क्लोज लोग होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा टेंशन उनके साथ हो जाती है। दुनिया में जाएंगे लोग 10 गालियां दे देंगे, सुन के आ जाएंगे, 2 थप्पड़ भी खा के आ जाएंगे, और यहां जो पास में रह रहा है, उसने एक बार अगर एक ग्लास भर के इधर से उधर रख दिया, या एक पानी गिर गया, मान लो कहीं पानी गिर गया, बस एकदम गुस्सा हो जाते, कोई तरीका नहीं है। देख रहे हैं आप? और इसी तरह से छोटे छोटे युद्ध, छोटे बड़े युद्ध को लड़ते 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 एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। फिर कह रहे हैं भज मूढ़ मति तव चिर साथी, जहां रे करुणा लोके लोके। तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उसका भजन करो,
लीला माया हरि ऐसे छेना दिया पूरी, राधार प्रीति लय बूके। अपने हृदय में, अपने हृदय में राधा रानी की प्रीति लेकर के वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनका भजन करो। अपने जो सबसे पुराने मित्र हैं वो आए हुए हैं, ठीक है? तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने दिल की भूख के बारे में चर्चा किया और हमने फिर से अपने आप को ये याद दिलाया कि ये खाली दिल को ये दुनिया के किसी की मोहब्बत से भर नहीं सकते। ये खाली दिल ऐसे ही खाली रहेगा। इसको भरने का केवल एक ही तरीका है, भगवान का नाम, भगवान की कथा। ट्राई तो करना पड़ेगा ना, एक बार ट्राई तो करते हैं। चलो 10 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए ट्राई करते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए, थोड़ा एब्जॉर्प्शन से करने का। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज एकादशी का दिन है, कोशिश कीजिए, छुट्टी लीजिए, छुट्टी लीजिए, सब कुछ छुट्टी लीजिए, क्योंकि आपकी आशाएं टूटेंगी। आप सोच रहे होंगे कि जिस पत्नी से मेरा विवाह हुआ है वो हमेशा मेरा साथ देगी, लेकिन आप एक बार भी अगर आपने उनके घर वालों के बारे में कह दिया कि अरे तुम्हारे घर वाले तो चोर है, बस देखो तलवारें सुलेमानी निकाल कर लेंगे। सबके साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है सबके साथ, पर कुछ और कारण तो हो सकता है। जैसे मृत्यु के अलग अलग कारण होते हैं, किसी को हेपेटाइटिस भी हो जाता है, किसी को टाइफाइड से मर जाते हैं, या अलग अलग। इसलिए एक बार हरिनाम की शरण लेके देखना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम इसको, आज एकादशी है, सभी लोग प्रयास कीजिए, बड़ा टारगेट बनाइए। जो लोग 192 कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, एक बार टेस्ट तो लेके देखो। 192 का टेस्ट, 192 का एक अलग ही टेस्ट, 192 माला करने का टेस्ट, है ना भाई? आप भी कहेंगे रिकॉर्ड एक किया, अरे प्रभु जी एक बार मैंने किया था, नहीं। एक बार ये टेस्ट लेके देखना चाहिए। सब लोग बोलते तो हैं, मैं आपको बताऊं, 64 माला करने के बाद ही, मतलब 100 100 मतलब पहुंचेंगे ना, कुछ भी करते रहेंगे ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे करेंगे। कुछ भी करेंगे हरे कृष्णा याद आएगा। तो आज एक बड़ा टारगेट लेके देखिए, मैक्सिमम राउंड्स करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो अभी एकादशी का दृढ़ता से पालन कीजिए, यही दृढ़ता से पालन करना है। ये नहीं कि देखो हमने कुछ नहीं खाया या कुछ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा दृढ़ता से पालन करने का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को समय दें। शुरू शुरू में मन नहीं लगता, मैं जानता हूं, लेकिन केवल एकादशी के दिन एक दिन तो ट्राई कर सकते हैं। आज एक दिन, आज सिर्फ एक दिन, एक दिन, 1 डे, एक दिन कृष्ण को पूरा पूरा 100%, कुछ भी और नहीं, बस कृष्ण, कृष्ण ही, और बस और कुछ नहीं। सबको दिया ना आपने समय, भाई पड़ोसी को भी तो कितना समय दिया, उनको गुलदस्ता भी दिया, गिफ्ट भी दिया, कितना समय दिया। मैनेजर को भी सब कुछ दिया, कहीं भी जाते हैं वहां से प्रसाद लेके आते हैं, मैनेजर के मुंह में ठूस देते हैं, सब कुछ किया, कितने लोगों की सेवा की। चलो एकादशी, एकादशी के दिन केवल कृष्ण की सेवा करते हैं। ज्यादा लंबा कुकिंग नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि आज के दिन एकदम महाफीस्ट बना रहे। आज के दिन क्या करना, मैंने आपको बताया ना, 4 आइटम्स बनाने चाहिए, अपना 2 4 आइटम जो कि बस चल जाए वैसा बनाना चाहिए ना। कोई दही का कुछ बना लिया, थोड़े आलू उबाल लिए, उसके पकौड़े बना लिए, थोड़ी मिर्ची की चटनी बना ली बस, और मखाने की खीर बन जाती है, मतलब ऐसी चीजें जो फट से बन जाती है, ऐसी चीजें बनाई, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रपंच नहीं लिया। जहां मंदिरों में कार्यक्रम है, संडे है तो अलग बात है, अदरवाइज जैसे आलू के पकौड़े बना लिए, आलू काटा बस, कुट्टू के घोले और वो बना लिया, है ना? फ्रूट्स कर सके तो और बेटर है, फ्रूट्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क, बहुत अच्छा है। कुछ ना खाएं तब तो और भी बेस्ट है, हरी बोल एकदम जीरो।
लेकिन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न कोई हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर परमानंद। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण बोल।